हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन का बाइनोमियल का 2023 का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 7 फाइंड आउट करना है। एक्चुअली ये थ्री टर्म्स आ गए हैं, जब दो से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो ये बन जाता है मल्टीनोमियल थ्योरम। अगर दो से ज्यादा टर्म्स आ जाए मल्टीनोमियल थ्योरम, किस तरह से, अगर यहाँ पे तीन टर्म्स आ जाए मतलब दो से ज्यादा टर्म्स है, पावर एन है, तो इसे हम लिखेंगे समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल, नीचे पी वन फैक्टोरियल, पी टू फैक्टोरियल, पी थ्री फैक्टोरियल, एक्स पावर फर्स्ट पी वन, वाई पावर पी टू, जेड पावर पी थ्री, एंड नीचे जो पी वन पी टू पी थ्री इज इक्वल टू एन है। सिमिलरली अगर चार टर्म्स हो जाएंगी, पावर एन है, तो इसमें सेम एन फैक्टोरियल, नीचे पी वन फैक्टोरियल, पी टू फैक्टोरियल, पी थ्री फैक्टोरियल, पी फोर फैक्टोरियल, फर्स्ट नंबर पावर पी वन, सेकंड पावर पी टू, थर्ड पावर पी थ्री, नेक्स्ट पावर पी फोर, वेयर सम इज इक्वल टू एन है। एंड अगर इसी तरह से मैं बोलूं क्या, अगर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू पावर एन आ गया, अब पांच टर्म्स आ गए, तो इसे किस तरह से ब्रेक करोगे, समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय पी वन फैक्टोरियल, पी टू फैक्टोरियल, पी थ्री फैक्टोरियल, पी फोर फैक्टोरियल, P5 factorial into x power P1, y power P2, z power P3, T power P4 and W power P5। तो इससे आपके पास ये टर्म बन जाएगी वेयर P1, P2, P3, P4, P5 किस टर्म के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू n के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये है मल्टीनोमियल थ्योरम। इसी टर्म के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे थ्री टर्म्स आ रही है, मतलब P1, P2, P3 थ्री टर्म्स आएंगी, P1, P2, P3 थ्री टर्म्स आएंगी। तो सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ, मतलब इसकी एक्सपेंशन लिख रहे हैं, टेन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, वन रेस टू पावर P1 माइनस X रेस टू पावर P2 एंड टू X क्यूब रेस टू पावर P3। तो इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी, एक खास चीज, जो P1 प्लस P2 प्लस P3 है ये इज इक्वल टू 10 है, मतलब इज इक्वल टू n, n ये हमारे पास क्या है 10 है, n वैल्यू 10 है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर बचेगा समेशन 10 फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, 1 raised to power P1 minus 1 raised to power P2, X raised to power P3, sorry P2, 2 power P3, X raised to power 3 P3। Clear है simplification? 1 power कुछ भी है कोई फर्क नहीं, but minus 1 raised to power terms लिखोगे पूरी, इसे लिखोगे 10 factorial upon P1 factorial, P2 factorial, P3 factorial, 1 power कुछ भी आए 1 ही आएगा, माइनस वन रेस टू पावर पी टू, टू रेस टू पावर पी थ्री एंड एक्स रेस टू पावर हो जाएगा, बेस सेम मल्टीप्लाई में है, बेस सेम मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पी टू प्लस थ्री पी थ्री पावर्स ऐड हो जाएंगी आपके पास। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ कॉफिशियंट ऑफ एक्स पावर सेवन। तो किस तरह से कॉफिशियंट ऑफ एक्स पावर सेवन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एक्स पावर ये टर्म आ गए बट रिक्वायर्ड है x पावर 7। तो आप किस तरह से लिखोगे कि जो p2 प्लस 3p3 है इज इक्वल टू 7 लिखोगे, p2 प्लस p3 इज इक्वल टू 7 और फर्स्ट कंडीशन थी p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू 10। क्लियर है टर्म? नाउ इसे हम डिस्कस करेंगे बाय टेबल मेथड से। टेबल मेथड से किस तरह, क्या अगर एक सिंपल सा टेबल बनाता हूं, अगर आप इस टर्म में P1, P2, P3 देखो, अगर मैं लिख रहा हूं बेटा P1 में P2 भी लिख लेते हैं, P2 एंड P3, अब सोचो P3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, P3 की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं P3 सपोज करो 3 लगाओगे, P3 अगर 3 लगाओगे तो ये हो जाएगा 9, तो P2 नेगेटिव हो जाएगा, फैक्टोरियल टर्म्स नेगेटिव है ही नहीं है जो ब्रेक करोगे, तो P3 की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3, पॉसिबल नहीं है तो 2, 2
टू लगाओगे P3 वैल्यू अगर आप टू लगाओगे तो जो सिक्स बन जाएगा, 3 × 2 = 6, तो P2 आ जाएगा आपके पास 1। P3 वैल्यू अगर 2 लगाओगे तो ये 6 हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा 1, ये 3 हो गया, और टोटल है हमारे पास 10, तो हमारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी 7। P1 वैल्यू 7। नाउ P3 2 हो गया, अब इससे नीचे करो, P3 अगर 1 हो जाए, इससे छोटा नंबर P3 1, अगर P3 1 है तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 4, P2 वैल्यू 4 हो जाएगी। अब टोटल 5 हो गया, इसमें पुट करोगे तो P1 वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। P1 वैल्यू 5 हो जाएगी। नाउ अगर P3 इससे छोटा नंबर 0, अगर P3 0 लगाओगे तो P2 7 हो जाएगा, तो इससे P1 की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 7 है। क्लियर है? तो हमारे पास P1 P2 P3 की पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब इसे इस जगह पे पुट करो, समेशन मतलब वो तीन नंबर्स को प्लस कर दो। किस तरह से पुट करोगे? फर्स्ट नंबर पुट करोगे 10 फैक्टोरियल P1, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 1 रेज टू पावर P2 1 इंटू 2 पावर 2 P3 2। एक्स पावर 7 है ये, कॉफिशियंट्स ऐड करना है बस। नेक्स्ट नंबर 10 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल माइनस 1 रेज टू पावर P2, P2 मींस यहां पे है 4 एंड 2 पावर P3, P3 है 1। तो नेक्स्ट नंबर आप करोगे 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड माइनस 1 रेज टू पावर P2 मींस 7 एंड 2 पावर P3 मींस 0। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आती है, तो ये नंबर आपके पास 10 फैक्टोरियल, बेटा 10 फैक्टोरियल को लिख लोगे 10 9 8, 7 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल 2 इनटू 4 हो जाएगा, प्लस यहां पे बार माइनस आएगा क्योंकि माइनस 1 रेज टू पावर माइनस आ जाएगा 2 पावर 4। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर 10 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 डायरेक्टली 24 लिख दो 4 3 2 1 इनटू 2 एंड नेक्स्ट माइनस 1 रेज टू पावर 7 फिर माइनस हो जाएगा 10 9 8 7 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 6 इनटू 7 फैक्टोरियल इनटू 1 ही हो जाएगा क्योंकि वो माइनस आ गया फ्रंट। तो इसे कैंसिल करोगे अगर आप, यहां पे 7 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां पे 5 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 7 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसमें अगर मैं कैंसिल कर दूं 3 × 6 कैंसिल एंड 4 × 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 × 4 एंड इस तरफ भी कैंसिल हो जाएगा 6 3 × 6 3 × 9 एंड 4। लास्ट नंबर तो -120 हो गया, फर्स्ट नंबर बन गया -9 × 72 -14, जो फर्स्ट नंबर है बेटा ये बन जाएगा -1440, प्लस सेकंड नंबर बन जाएगा आपके पास 7 × 63 63 × 2 1260 × 2, ये आ जाएगा 2520 प्लस माइनस लास्ट नंबर तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 120। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर 960 आ जाएगा। फाइनल आंसर 960 मतलब आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।